ड्रग्स मामले में गिरफ्तारी और कानूनी दावपेच के बीच रिया चक्रवर्ती को मिला फिल्म ऑफर। उन्हें मिला एक फिल्म एक्टर और फिल्म मेकर निखिल द्विवेदी का साथ। निखिल ने किया बड़ा खुलासा, जताई रिया के साथ काम करने की इच्छा। ट्रोलर्स को दिया मुंह तोड़ जवाब। वेल, निखिल ने रिया के सपोर्ट में कई सारे ट्वीट किए हैं। वो रिया के साथ काम करना चाहते हैं। निखिल ने ट्वीट कर लिखा, रिया मैं तुम्हें नहीं जानता, मुझे नहीं पता तुम किस तरह की इंसान हो, शायद तुम उतनी बुरी हो जितना तुम्हें दिखाया जा रहा है, शायद नहीं हो। मैं जो जानता हूँ वो ये कि तुम्हारे लिए जो भी चल रहा वो अनफेयर है, गैर कानूनी है, ऐसा नहीं जैसा कि एक सभ्य देश बिहेव करता है। जब ये सब खत्म हो जाएगा हम तुम्हारे साथ काम करना चाहेंगे। इसके बाद जब एक यूजर ने निखिल को ट्रोल किया तो उन्होंने दूसरे ट्वीट में लिखा, क्या कोर्ट ने रिया को दोषी ठहराया है? अगर वो ठहराते भी है तो हम उस रिया में सुधार होने तक इंतजार करेंगे। यदि रिया खुद सुधार नहीं करती तो मैं अपने शब्दों को वापस ले लूंगा, लेकिन मीडिया और जनता को अपना फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है। मेरा समर्थन #innocentuntilprovenguilty के लिए है और रिया चक्रवर्ती के लिए नहीं। निखिल द्विवेदी का कहना है कि रिया के केस में टीवी स्टूडियो और सोशल मीडिया ने अपना जजमेंट पास किया है जिसे अब बंद हो जाना चाहिए। निखिल ने ये साफ किया कि वो ड्रग यूजर और ड्रग पेडलर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ना ही वो रिया को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट के फैसले से पहले जिस तरह से रिया को दोषी ठहरा दिया गया है वो इसका विरोध करते हैं। निखिल के इस ट्वीट के बाद उन्हें सोशल मीडिया पर यूजर्स ने जमकर ट्रोल किया। वही रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद कई सेलेब्स उनके समर्थन में बोलने लगे हैं। अब डायरेक्टर निखिल द्विवेदी रिया के साथ काम करने की भी इच्छा जताई है। आपके क्या रिएक्शंस है इस पर, बताइए हमें कमेंट्स के जरिए।